हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम लीवर के सम्स डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सम नंबर आपको सम नंबर जो 9 है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये लीवर के जो सम्स है सारे अपने आज वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ओके, कुछ अगर सेम हो गए तो मैं आपको बता दूंगा कि ये सेम है, या सेम प्रोसीजर होगा तो थोड़ा बहुत हिंट दे दूंगा कि भाई इसको इस तरह से कर लेना इस सम को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर 9। देखो तो स्क्रीन पे आपको सम नंबर 9 दिख रहा है, ये बेल क्रैंक लीवर है। सबसे पहले देखिए, लीवर जो है ना, लीवर एक्चुअली यहाँ पे एंगुलर लीवर जो होते हैं, जिसकी आपको डिज़ाइन करनी होती है, उसमें दो तरह के लीवर होते हैं एंगुलर के अंदर। एक होता है हमारा बेल क्रैंक लीवर, ओके, एक होता है बेल क्रैंक लीवर जो ये सम पूछा है, ठीक है। और दूसरा लीवर जो होता है वो होता है रॉकर आर्म लीवर, ओके, रॉकर आर्म लीवर। दोनों एंगुलर लीवर है, यानी फ़र्क इतना है कि जब आप बेल क्रैंक लीवर देखोगे तो बेल क्रैंक लीवर जो बनेंगे समथिंग, जो एंगल की बात करें तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा बेल क्रैंक लीवर में, और ये जो रॉकर आर्म लीवर है उसके अंदर जो एंगल बनेगा वो आप ग्रेटर देन, जो तो एंगल है थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से दो तरह के लीवर हमें डिज़ाइन करने होते हैं हमारे एग्ज़ाम में, ओके। तो चलो पहले, सबसे पहले रॉकर आर्म के सॉरी सबसे पहले बेल क्रैंक लीवर का जो सम है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट सम है वो आपको दिखाई देगा रॉकर आर्म लीवर वाला, है ना। तो देखिए दोनों सम हमारे हो जाएंगे आज, तो आपको सारा आइडिया लग जाएगा कि बेल क्रैंक लीवर का डिज़ाइन कैसे करना है और रॉकर आर्म का डिज़ाइन किस तरह से करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन है, लोड लिफ्टेड। अब देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ड्राइंग बनाना पड़ेगा। तो आप लीवर का एक ड्राइंग बना दीजिए, सबसे पहले एक लीवर का ड्राइंग बना देते हैं, ठीक है। सो देखिए ये यहाँ पे इसमें दो दो आर्म हो गए, एक लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर पे फिगर बनाने में आपको शायद डिफरेंस ना दिख रहा हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा लॉन्ग आर्म है और शॉर्ट आर्म है, ठीक है। तो ये जो छोटा वाला ये जो हॉरिजॉन्टल आर्म है वो मेरा शॉर्ट आर्म है, ठीक है, और ऊपर वाला लॉन्ग आर्म है ना। तो मैं यहाँ पे लेंथ मेंशन कर दूंगा, यानी क्लियर हो जाएगा। और उसकी एक्सिस बना देते हैं हम लोग, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन नहीं होता, मैं क्रॉस सेक्शन सर्कुलर नहीं होता, ठीक है। इतना ये जो एक्सिस है एकदम एंड टू एंड ले जाने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ क्या लगेगा सबको कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन तो सर्कुलर नहीं है, यहाँ जो क्रॉस सेक्शन है कौन सा है वो जनरली तो दिया नहीं होता है, तो रेक्टेंगुलर एज्यूम करने का। अगर इसको आप काट के यहाँ से काटते हो या एक्स एक्स काटते हो तो आपको नीचे कैसा दिखेगा, रेक्टेंगुलर शेप दिखेगा ऐसा, ठीक है। तो उसकी भी डिज़ाइन आती है, जिसको यहाँ पे बी और एच करके लेना पड़ता है अपने को, बट वो डिज़ाइन अभी दिखते हैं कि सम में क्या पूछा है। अगर वो होगा तो वो वाला डिज़ाइन भी हम करेंगे, ओके। अभी देखो यहाँ पे क्या गिवन है, जो लिफ्ट लोड ऑफ 10 किलोन्यूटन, 10 किलोन्यूटन का लोड को लिफ्ट करने के लिए लीवर को अपने को डिज़ाइन करना है। एक्टिंग एट द एंड ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ द लीवर, देखो ये जो कहाँ लग रहा है, शॉर्ट आर्म पे। तो अभी मैं शॉर्ट आर्म किसको मानूँ, जो जनरली हॉरिजॉन्टल आर्म शॉर्ट आर्म होता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं W लगाता हूँ, ठीक है। कितना है, 10 किलोन्यूटन का लोड है, और शॉर्ट आर्म का लेंथ गिवन है 500। तो ये जो यहाँ से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है हमारा वो 500 mm है, ओके। लॉन्ग आर्म 750, यानी अलोएबल सीयर और टेंसाइल स्ट्रेस देखिए गिवन है पिन मटेरियल के लिए। और ये जो लेंथ, पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं, बराबर। एक तो क्या क्या गिवन है, देखिए गिवन डेटा में W जो गिवन था जो है 10 किलो न्यूटन, ओके। इसके बाद जो शॉर्ट आर्म लॉन्ग आर्म, तो शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म, तो लॉन्ग आर्म को हम L1 बोलेंगे और शॉर्ट आर्म को हम L2 बोलेंगे, ठीक है। इसको कोई ऐसा लिखने की ज़रूरत तो होती नहीं है, बट हम लिखेंगे, ठीक है। L1 लिख देते हैं, L2 लिख देते हैं 500 mm। स्ट्रेसेस दी हुई है, एक तो टाउ दिया हुआ है, टाउ कितना दिया हुआ है, 60 MPa का टाउ दिया हुआ है, और दूसरा टेंसाइल स्ट्रेस दी हुई है, यानी सिग्मा बी दिया हुआ है 80 MPa, ठीक है, 80 MPa, ठीक है। टेंसाइल दिया हुआ है यानी सिग्मा बी लिया है मैंने, है ना। आप बोलोगे सर टेंसाइल तो सिग्मा टी होता है, अरे भाई सिग्मा बी जो होता है उसमें टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव दोनों होता है ना, बेंडिंग टेंसाइल और कॉम्प्रेशन का कॉम्बिनेशन तो होता है। चलो बेरिंग प्रेशर गिवन है यहाँ पे, PB बेरिंग प्रेशर गिवन है 8 MPa।
बेरिंग प्रेशर क्या है, कोई गिवन है यहाँ पे जो सेंटर में जो पिन लगाते हैं उस पे बेरिंग, जो बेरिंग की तरफ से प्रेशर लगता है तो उसको बेरिंग प्रेशर बोला जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक पिन लगा होता है, यहाँ पे पिन लगाते हैं हम कुछ समथिंग ऐसा पिन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उस पिन पे क्या लगता है, बेरिंग प्रेशर लगता है। जब ये लीवर इसके ऊपर ऐसा फिट होता है, ये लीवर इस तरह से फिट होता है ना, तो ये क्या करेगा, इस पे इस वाले पार्ट पे लोड लगाएगा, है ना, मैं जो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ समथिंग ऐसा। ओके, ये इसके ऊपर लगेगा ऐसा, तो ये अंदर का पार्ट आप देखोगे तो इस पे प्रेशर आएगा इतने इसके ऊपर, तो दैट इज़ कॉल्ड बेयरिंग प्रेशर। ओके, प्रेशर इसलिए क्योंकि एक्सटर्नली है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर टर्म यूज़ किया गया है। अगर इंटरनली होता तो स्ट्रेस टर्म यूज़ किया होता, ठीक है। चलो, तो बेयरिंग प्रेशर होता है और हमें पिन के डायमेंशन फाइंड करने हैं बस। तो पिन के डायमेंशन में क्या आता है, एक तो डायमीटर ऑफ पिन आता है और लेंथ ऑफ पिन आता है, ठीक है। ये जो पिन यहाँ सेंटर के अंदर पिन डालते हैं, ओके, मैं यहाँ पे पिन थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। जो पिन होता है जो पिन होता है उसका लेंथ एल होता है और पिन का डायमीटर डी होता है। तो ये दो डायमेंशंस अपने को फाइंड करना है, और यहाँ पे एक देख सकते हो कि एल बाई डी रेशियो गिवन है 1.25 क्वेश्चन में। अब इतना मैं आपको बता दूँ कि ये अगर नहीं गिवन है, अगर गिवन नहीं है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिमेम्बर, ठीक है, ये लिख देता हूँ आपके लिए, क्योंकि अगर नहीं दिया है तो आपको खुद लेना है ये, समझ रहे हो, अदरवाइज दिया है तो अच्छी बात है ना, यूज़ कर लो। चलो, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे टेकिंग। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ अगर ये एक तरफ अगर W लगेगा तो ये तो वेट, इस पे वेट लग रहा है, तो हम एफर्ट कहाँ, इस तरफ डालेंगे, ये जो लॉन्ग आर पे हम वहाँ पे एफर्ट डालेंगे, तो यहाँ पे दिस इज एफर्ट, ओके, तो यहाँ पे एफर्ट डालेगा, बट एफर्ट यहाँ पे गिवन नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, तो वो पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो लॉन्ग आर्म है उसको एफर्ट आर्म भी बोलते हैं, और जो लोड लगा हुआ है उसको लोड आर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, एफर्ट को पता करना। तो एफर्ट को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर मोमेंट लेते हैं। मोमेंट कहाँ से लेते हैं, यहाँ फलक्रम से। फलक्रम कहाँ है, तो पिन लगी सेंटर पर, वो वाला फलक्रम बोलता है ना। टेकिंग मोमेंट, टेकिंग मोमेंट अबाउट फलक्रम, देखो फलक्रम से मोमेंट लेते हैं, तो क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अभी क्लॉकवाइज मोमेंट में क्या आएगा, ये देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये इसको पी इस तरफ लग रहा है, यानी पी इस तरफ लग रहा है, यानी पी कहाँ कहाँ घुमाने की कोशिश कर रहा है, इस तरफ से क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो पी, ये जो पी लग रहा है वो, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये जो लेंथ है यहाँ से सेंटर तक का लेंथ है ना, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, समझ रहे हो। तो सबसे पहला जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितनी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पी इंटू एल वन आएगा, ठीक है, इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। ये देखिए, ये डब्ल्यू जो है उसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, इसीलिए डब्ल्यू इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहाँ मोमेंट है वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको ये रहा, देखो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, ये परपेंडिकुलर लग रहा है आपको, ओके। तो जो डिस्टेंस है एल टू वो परपेंडिकुलर है, इसलिए एल टू आएगा। चलो, तो P तो नहीं पता अपने को, L1 हमें पता है 750, W पता है 10 और L2 पता है हमारे पास 500, ओके। तो यहाँ से अपने को क्या पता चल जाएगा, P पता चल जाएगा, है ना। P आएगा 5000 डिवाइड बाय 750, तो P जो आ रहा है हमारा 6.666 किलो न्यूटन। सो पी इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं 6666.66 ही आता जाएगा, तो 67 हम यहाँ पे न्यूटन कर देते हैं, ठीक है। और इस डब्ल्यू को भी 10,000 न्यूटन करवा देते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, ये लीवर के सम्स में आगे के जो डिज़ाइन की थी हमने, क्वार्टर नकल ये सब में क्या डिफरेंस क्या है, तो क्वार्टर नकल में जो भी हम फेलियर कंसिडर कर रहे थे, क्वार्टर नकल में जो भी फेलियर कंसिडर कर रहे थे उसमें हम क्या लेते थे, फार्मूला बनाते वक्त लोड इज इक्वल टू जो भी हमारा रेजिस्टिंग एरिया होता था वो लगाते थे हम लोग, रेजिस्टिंग एरिया और मल्टीप्लाई बाय जो भी स्ट्रेस लगती थी वो लगाते थे, है ना। तो हम क्या करते थे, लोड लगाते थे, जो भी रेजिस्टिंग एरिया कर रहा है वो वहाँ पे फार्मूला में बनाते थे, और उसके रिलेटेड जो भी स्ट्रेस है, टेंसाइल आती थी तो टेंसाइल, कॉम्प्रेसिव आती थी तो कॉम्प्रेसिव, ये करते थे।
क्योंकि वहां पे एक ही लोड था ना। अब यहाँ पे क्या है, दो 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 लोड है, लोड यानी दो दो फोर्स लग रहा है एक तरह से, एक लोड वाला है एक एफर्ट वाला, और दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर लग रहे हैं। ठीक है, अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं भी लगते तो भी क्या होता, जैसे कि एक लोड आप देखोगे तो एक लोड समथिंग इस जगह लग रहा है, पी वाला देखो लेफ्ट वाला, ओके, और एक पॉइंट लग रहा है डब्ल्यू वाला इस तरफ, है ना। यानी ये अगर इसी इस पी को और डब्ल्यू को मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूँ, ये पी को और डब्ल्यू को यहाँ ट्रांसफ़र कर दूँ, तो आपको ये सारे सारे लोड सेंटर पे लग रहे हैं, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो एक्चुअली तो फोर्स यहाँ नहीं लगेगा ना, एक्चुअली तो उसका कुछ रिजल्टेंट आएगा, रिएक्शन आएगा, जिसको हम आर बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। तो पी और डब्ल्यू का हमें क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, जो दोनों से ग्रेटर देन पी एंड डब्ल्यू दोनों से बड़ा ही आएगा, और हम फिर उसके हिसाब से इसमें डिज़ाइन करेंगे। ये लीवर में थोड़ा नया है, अभी तक के डिज़ाइन में जो फोर्स दे देते थे, लोड दे देते थे, जो पी दे देते थे, उसको लेके हम डायरेक्ट डिज़ाइन कर लेते थे। इसमें क्या है, पी और डब्ल्यू दोनों निकालने हैं तो हमें एक आर निकालना पड़ेगा, रिएक्शन निकालना पड़ेगा, और जो भी डायमेंशंस हम भविष्य में निकालने वाले हैं लीवर में, वो रिएक्शन के बेसिस पे ही निकालेंगे। समझ रहे हो आप, सीधी सीधी बात है। तो रिएक्शन निकालने के लिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम का, जो एक पैरेललोग्राम का लॉ था कि अगर दो कोई एंगुलर ऐसे फोर्स लग रहे हैं पी और डब्ल्यू, तो हम फिर सॉरी थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देते, तो इस तरह से पैरेललोग्राम बनाते थे, है ना, और उसका जो डायगोनल आता था वो रिजल्टेंट आता था। तो उसकी फार्मूला किसी को अगर याद नहीं है तो मैं उसका फार्मूला बता दूँ आपको, कि आर निकालने का फार्मूला था अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस टू पी डब्ल्यू कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा जो यहाँ पे होता था, समझ रहे हो। तो ये जो फार्मूला है, ये हमारा पैरेललोग्राम का फार्मूला था, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। इस फॉर्मूला के हेल्प से हम निकालेंगे रिएक्शन। ओके, तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन निकालेंगे। सो रिएक्शन आर का जो फॉर्मूला रहता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस टू पी डब्ल्यू कॉस थीटा। समझ रहे हो। अब बोले सर थीटा क्या है, तो भाई ये तो मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इट इज़ अ बेल क्रैंक लीवर, तो थीटा तो 90 डिग्री होने ही वाला है, बेल क्रैंक लीवर है ना। अगर रॉकर आर्म होता तो थीटा दे देते क्वेश्चन के अंदर, बट इसमें थीटा देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता होता है भाई ये तो बेल क्रैंक लीवर है, 90 डिग्री होगा। तो पी जो है हमारा 666.67 का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू जो है हमारा 10,000 का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स 666.67 into 10,000। ये एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बेल क्रैंक लीवर है ना, तो ये वाला हिस्सा तो ज़ीरो हो जाने वाला है। ठीक है, ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि क्यों ज़ीरो हो जाएगा। ओके, ये वाला हिस्सा पूरा ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा है, तो देखिए कॉस कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 डिग्री लगाओगे तो ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो पी और डब्ल्यू और टू भी ज़ीरो हो जाएगा, तो खाली पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर ज बचेगा। तो जब बेल क्रैंक लीवर है तो एक्चुअली तो हमें इतना ही फॉर्मूला लगाना होता है ना, जब भी बेल क्रैंक लीवर होता है तो इतना ही फॉर्मूला लगाना होता है ना। बट क्या, दो दो फार्मूला याद रखने से बेटर एक ही फार्मूला लगाओ, और 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री कैलकुलेशन कर लो, है ना, वैसे ही वो खुद में खुद ज़ीरो ले लेगा। तो चलो इसका आंसर कितना आता है देखते हैं, अंडर रूट दबाइए, ब्रैकेट लिखिए, 666.67 का स्क्वायर करिए प्लस 10,000 का स्क्वायर करिए, ब्रैकेट कंप्लीट करिए, आंसर लेके आइए। ओके, तो हमारा जो आंसर आ रहा है 12018.506 न्यूटन का हमारा रिएक्शन आ रहा है। अब जो भी कैलकुलेशंस करेंगे, जो भी डायमेंशंस फाइंड करेंगे, जो भी फेलियर्स एज्यूम करेंगे, ये रिएक्शन लेके ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसिडरिंग बेयरिंग प्रेशर, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कंसिडरिंग बेयरिंग प्रेशर, पहला सम है तो थोड़ा ध्यान से सीख लीजिए, यहाँ पे बेयरिंग प्रेशर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और बेयरिंग प्रेशर का फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको कुछ तो हिंट दिया ही है। ओके, क्या हिंट दिया मैंने बेयरिंग प्रेशर के लिए, तो जैसे कि ये यहाँ पे पिन लगी होती है, तो पिन क्या करती है, पिन के ऊपर बेयरिंग का प्रेशर लगता है ये वाले हिस्से पे। ओके, और ये वाला पूरा डायमीटर जो पूरा लेंथ, ये इस पे प्रेशर आता है पी, बेयरिंग प्रेशर आता है पी बी। अब इसको अगर आप प्रोजेक्टेड एरिया निकालते हो, इसका वापस
आप अभी इस टर्म से फैमिलियर हो जाएगा कि सर प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब क्या होता है। ये अगर प्रोजेक्टेड एरिया यहाँ से निकालोगे, कौन सा वाला एरिया प्रोजेक्टेड, ये वाला एरिया, देखिए मैंने इसको नीचे उतार लिया, सारे चारों पॉइंट को नीचे उतार लिए और एक एरिया निकाला। तो ये एरिया अगर आप देखोगे तो एक रेक्टेंगल दिख रहा है जिसका लेंथ एल है और डायामीटर है डी। तो ये इस पे प्रेशर लग रहा है, हम ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो बेयरिंग प्रेशर का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, देखो लोड इज इक्वल टू एरिया इंटू स्ट्रेस लगता है, ओके। लोड इज इक्वल टू डब्ल्यू या तो पी, जो पहले के फॉर्मूला बता रहे हैं ना, पहले के पी इज इक्वल टू हम लगा देते एरिया इंटू स्ट्रेस लगाते थे, बराबर। बट यहाँ पे जो पी है वो इस बार मैंने क्या बोला आपको, पी लेके नहीं करना है, आर लेके करना है जो भी काम करना है। तो आर इज इक्वल टू फॉर्मूला तो वही रहेगा, स्ट्रेस इंटू एरिया, एरिया इंटू स्ट्रेस। तो एरिया क्या लगेगा, तो एरिया अभी मैंने बताया आपको डी इंटू एल, ये रेजिस्टिंग एरिया इंटू स्ट्रेस, बट यहाँ पे एक्सटर्नल है इसीलिए स्ट्रेस नहीं लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। तो जिसने भी मेरे प्रीवियस वीडियो देखे उसको मैंने बताया था कि प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे R कितना है, 12018.506, डायमीटर और L, L L क्या लेना है, L लेना है 1.25 D, और बेरिंग प्रेशर क्वेश्चन में गिवन है भाई, बेरिंग प्रेशर गिवन है, कहाँ का बेरिंग प्रेशर, 8 मेगा पास्कल का बेरिंग प्रेशर गिवन है। यहाँ से देखिए दो दो D है तो D स्क्वायर हो जाएगा, तो ध्यान से, तो पहले डी कैसे निकलाएगा, जो भी आंसर आएगा उसका अंडर रूट कर लेना आप, है ना। ये 1.25 डी कहाँ से लिया, तो एल बाई डी रेशियो गिवन है ना, ये देखो ना, एल बाई डी इक्वल टू 1.25 गिवन है, बराबर ना, इसके कारण मैं ले रहा हूँ, क्योंकि ये तो अपने को याद ही रखना है, क्वेश्चन में दिया है नहीं दिया उसका टेंशन मत लीजिए, ये याद रखना है अपने को बस। चलो जो हमारा आंसर आया था उसी आंसर के डिवाइड में 1.25 कर देंगे और डिवाइड बाई 8 भी कर देंगे, जो भी आंसर आया उसको अंडर रूट कर देंगे, तो 34.66 का आंसर आ रहा है, जिसको मैं 36 mm ले लेता हूँ, पिन का डायमीटर हम ले रहे हैं 36 mm, और बची हुई जो लेंथ है वो 1.25 D है, तो उसको 1.25 इंटू 36 कर देंगे तो आ जाता है 45 mm, ठीक है। तो इस तरह से देखिए पिन का डायमेंशंस निकाला जाता है, ओके। देखिए तो ये आ गया है आंसर, अब क्या करना है, अब लास्ट काम हमारा बच गया है चेकिंग वाला, कि ये डायमेंशन सही है कि नहीं है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से ये कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन करते हैं, सर चेकिंग ना करे तो चलेगा, तो भाई उसका क्लियर जवाब है कि नहीं, नहीं चलेगा, चेकिंग आपको करना पड़ेगा। आप अगर कोई डायमेंशन डिज़ाइन करके निकालते हो तो वो तो एक तरह से सेफ है ना, एक जगह से सेफ आ रहा है, पर कोई दूसरे जगह पर दूसरा स्ट्रेस आ रहा है उसमें क्या वो सेफ है, वो चेक करने का जिम्मेदारी हमारा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे पिन जो है, पिन के ये डायमेंशन हमने निकाले, ये अभी फाइनल आंसर नहीं है, इसको हम चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, चेकिंग द पिन इन सीयरिंग, इन सीयरिंग। अभी सीयरिंग में आप देखोगे ना, तो पिन जो बीच में लगी होती है, ये जो पिन है वो बीच में लगी होती है लीवर के वहाँ पर, तो इसके ऊपर मैंने अभी आपको बताया था कि लीवर लगा होता है इस तरह से, है ना, इस तरह से लीवर लगा होता है। तो अगर आप देखोगे तो लीवर के अंदर ये फिट है पूरा, है ना, ये लीवर के अंदर इस तरह से फिट हो गया हुआ है। तो ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लेंथ दिखा हुआ है। तो होता क्या है, अगर बहुत ज़्यादा रिएक्शन फोर्स अगर बहुत ज़्यादा आता है, रिएक्शन फोर्स समथिंग इस तरफ से आएगा, क्योंकि मैंने बोला था ना पी इस तरफ से लगता है, डब्ल्यू इस तरफ से लगता है, तो आर एक एंगल पे लगेगा। तो उस होता क्या है, इसके कारण ये मान लेते हैं कि ये दो टुकड़ों में यहाँ से डिवाइड हो गया, यानी पिन क्या हो गए, पिन बढ़ गई, पिन कहाँ बढ़ गई, एक तो ये वाला हिस्सा बढ़ जाएगा, एक यहाँ टुकड़ा बढ़ जाएगा, एक सेंटर वाला टुकड़ा पड़ जाएगा वो, और एक टुकड़ा पड़ जाएगा हमारा जो पिन का एंडिंग है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो दो दो सीयरिंग एरिया जो रेजिस्ट कर रहे हैं, ये वाला एरिया और ये दोनों जोड़ दो आप देखो, तो ये वाले एरिया रेजिस्ट कर रहे थे और सीयर हो रहा है। सीयर कैसे हो रहा है, क्योंकि एरिया देखो, एरिया का जो फेलियर है वो समथिंग इस तरह से हो रहा है। ये दो एरिया पहले ऐसे जुड़े थे, तो एक एरिया नीचे जा रहा है और एक एरिया वहीं का वहीं रह रहा है, या तो नीचे वाला ये सेंटर वाला एरिया ऐसे नीचे जा रहा है, ये ऊपर का ऊपर रह रहा है, तो ये सीयर हो रहा है। ये दो एरिया को क्या बोलते हैं, सीयरिंग, समझ रहे हो। तो यहाँ पे भी तो
सीयरिंग एरिया देखो, सीयरिंग एरिया आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला दिख रहा है आपको, सर्कुलर इज है ना, तो पाई बाय फोर डी स्क्वायर ना, और पर ऐसे दो दो एरिया इसीलिए टू टाइम्स करेंगे, डबल सीयर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या आएगा डबल सीयर का, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यहाँ आर लिखना है, तो आर इक्वल टू टू टाइम्स करके पाई बाय फोर डी स्क्वायर करेंगे, तो ये आ गया एरिया। और स्ट्रेस की बात करें तो टाउ, बट यहाँ पे टाउ क्या लिखेंगे, इंड्यूस लिखेंगे। क्यों इंड्यूस लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे डायमेंशंस नहीं फाइंड कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं, डायमीटर जो है उसको चेक कर रहे हैं, तो डायमीटर तो पहले से ही पता है, तो खाली अब स्ट्रेस निकाल के चेक कर लेंगे कि हमारी स्ट्रेस सही है कि नहीं है। तो चलो 120.18.506 इक्वल टू टू टाइम्स पाई बाय फोर डी, हमारा हमने निकाला है 36 का स्क्वायर, और टाउ एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से टाउ हमारा आता है, तो जो भी 120.18.506 इंटू 4 डिवाइड बाय हम करेंगे 2 पाई इंटू 36 का स्क्वायर, 5.903 आ रहा है, देखो टाउ मेगा पास्कल। जो हमारा टाउ क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखिए हमारा टाउ गिवन है कहाँ गया, ये रहा, हमने लिखा है 60 मेगा पास्कल, तो हमारा तो बहुत बहुत सेफ आ रहा है, तो फिर ओके, विच इज़ लेस देन टाउ अलोवेबल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे गए हैंस अवर पिन इज सेफ इन सियरिंग, इन सीयरिंग, और ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये सब निकाल देता हूँ मैं। चलो तो अब हम करेंगे सेकंड वाला सम। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट बताना चाहूँगा कि ये लीवर का जो सम है ना, एक्चुअली अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि 3 मार्क का है, तो सब कुछ पूछा नहीं है। देखो इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं, तो नंबर वन जो चीज़ पूछते हैं वो पूछते हैं पिन डायमेंशन, पिन डायमेंशन, और दूसरा क्या पूछते हैं, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन के भी डायमेंशंस निकालने होते हैं। तो यहाँ क्रॉस सेक्शन वाला हिस्सा तो दिया नहीं है ना इस क्वेश्चन में, क्रॉस सेक्शन का हिस्सा नहीं दिया, खाली पिन डायमेंशंस निकाल दिया, यानी ये वाला पार्ट हो गया है। तो ये वाला आप पता चला कि किस तरह से निकालना है, अभी एक और सम करेगा तो आपको क्लियरली अंदाजा आ जाएगा कि अच्छा पिन डायमेंशन इस तरह से निकालते हैं, आपके दिमाग में भी फिट हो जाएगा, ठीक है, कि चलो ये सम जो होता है इसी तरह होता है। और क्रॉस सेक्शन कैसे निकालना है, ये जो सम आएगा अभी आएगा इसका भी सम, उसमें मैं बताऊंगा कि आपको क्रॉस सेक्शन किस तरह से निकालना है, ठीक है। तो आप ऐसा मत समझिए कि मेरा सम हो गया है पूरा, लीवर के सम आ गए, ऐसा नहीं है। अभी अभी देखिए पिन डायमेंशंस तो सीख लिया, एक और पर प्रैक्टिस कर ले, और उसके बाद क्रॉस सेक्शन वाला भी सीखेंगे, ठीक है, तब जाके आप अपने आप को बोल देना कि हाँ भाई मैं अब सीख गया हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं, देखिए नेक्स्ट सम में क्या क्या इससे अलग है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ बाजू में ही ये सम हो रहा है तो मैं कोशिश करूँगा कि उस सम को बाजू में ही कर दे, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट सम क्या गिवन है, देखिए